हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कौस्तुभ पानसे, अ बिजनेस कोच एंड अ कॉर्पोरेट ट्रेनर। वेलकम टू टुडेज डेली बिजनेस कोचिंग सेशन। आज का सेशन है हाउ टू अचीव योर ड्रीम। दोस्तों, आज के सेशन में हम देखेंगे कि कैसे आप अपने सपनों को हकीकत में बना सकते हैं। जो भी ड्रीम्स आपने देखे हैं, कैसे उनको आप सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज का मूल मंत्र है दोस्तों कि सक्सेस का फॉर्मूला है, आप पहले ड्रीम देखिए, उसमें रियलिटी का एडिशन कीजिए, जांचिए रियलिटी क्या है, आज की आपकी करंट रियलिटी क्या है, और उसमें दृढ़ निश्चयता या फिर डिटर्मिनेशन को, दृढ़ निश्चय या डिटर्मिनेशन को डालिए। सो फ्रेंड्स, ड्रीम्स देखिए, उसमें रियलिटी का जांच पड़ताल कीजिए, गो अराउंड रियलिटी, एंड थर्ड इज डिटर्मिनेशन से आप इसको पाइए। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं रे डालियो, जो एक प्रसिद्ध बिलियनर है अमेरिका से, और उनके कंपनी का नाम है ब्रिज वाटर। उन्होंने कैसे अपने जर्नी में एक 5 स्टेप्स प्रोसेस का यूज करके अपने सपनों को कामयाबियों में कन्वर्ट किया, कैसे उन्होंने अपने ड्रीम्स को कन्वर्जन में कंप्लीट किया। तो दोस्तों, ये जो रे डालियो है, उनका जो पूरा 5 स्टेप्स मॉडल है, वो उत्क्रांति या इवोल्यूशन मॉडल पे बनाया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको आपके ड्रीम्स को पूरा करना है, तो आपको एक माइंडसेट का ज़रूरत है, आपको एक राइट स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग का ज़रूरत है। अगर आप मानवीय उत्क्रांति को देखोगे, तो हमारी उत्क्रांति, हमारा जो पूरी प्रगति है, वो 15वीं सेंचुरी के बाद सबसे तेज़ हुई है। 2 लाख साल पहले हम पृथ्वी पर आए, लेकिन हमारे सबसे ज़्यादा विकास, सबसे ज़्यादा ग्रोथ, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हमारी हुई है 15वीं सेंचुरी के बाद। और दोस्तों, ये हमारे डेवलपमेंट के पीछे का मूल मंत्र है, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है। तो मुझे ये जो पता नहीं है, जब हमने फियरलेसली बोलना चालू किया, एक्सेप्ट किया कि हाँ, आई डोंट नो, उसी पे सारा हमारा डेवलपमेंट बसा हुआ है। उसी से आगे जाके साइंटिफिक रेवोल्यूशन, वैज्ञानिक क्रांति, और उसके ऊपर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये सारी चीज़ें आई। तो आज का हम लोग जो ये सारे मानवों का जो विकास और डेवलपमेंट देख रहे हैं, उन सब का जो जो आधारशिला है, जो फाउंडेशन है, वो है मुझे पता नहीं है। लेकिन यही वजह है कि मैं अभी ढूंढूंगा कि असलियत क्या है। दोस्तों, अगर हम देखें तो हमारे और हमारे सपने के बीच में एक चीज़ जो आ जाती है, उसको मैं कहता हूँ परफेक्शन। वी बिलीव दैट वी आर परफेक्ट। हमारे ईगो से वो आवाज़ आती है कि हम परफेक्ट हैं, मैं परिपूर्ण हूँ, मुझे बदलने का ज़रूरत नहीं है। बहुत बार हमारी वीकनेसेस से हमारा नाता ऐसा है कि हम अपनी दुर्बलताओं को, अपनी मिस्टेक्स को छुपा देते हैं। जब भी कोई फेलियर आता है, कोई सेटबैक आता है, उससे हमारे, उसमें जो हम मिस्टेक्स करते हैं, उससे हमारी वीकनेसेस जो उजागर होती हैं, हम दबा देते हैं उनको। इसी तरह से हमारा जड़न घड़न हुआ है। तो दोस्तों, इस रे डालियो मॉडल में हम लोग को यही करना है कि आप अपनी वीकनेसेस से जो दर्द होता है, जो आपको एक्सेप्टेंस से दर्द होता है कि आई एम वीक, वो उससे आपको परे जाना है, उससे आपको उभरना है। तो अगर आप ओपन माइंडेड रहेंगे, अगर आपके विचार खुले रहेंगे, तो आप आपकी मिस्टेक्स को देख पाओगे, उन मिस्टेक्स से आप लर्न कर पाओगे, और जब आप लर्न करोगे, तो आप बदल करोगे। जब आप खुद में बदल करोगे, उसी से आपको यश मिलेगा। फिर से दोहराता हूं दोस्तों, आप जब खुले मन से किसी चीज को सोचेंगे, तो उसके ऊपर आपको आपकी मिस्टेक्स दिखेंगी। उन मिस्टेक्स को अगर आप एक्सेप्ट करोगे, तो उसमें आपको लर्निंग्स मिलेगी। उन लर्निंग्स में आपको जो बदली हुई परिस्थिति है, उसमें आप चेंज कर पाओगे, और जैसे ही आप चेंज करोगे, आप कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते जाओगे। आप अपने आसपास देखिए, आप मोबाइल्स देखिए, कार्स को देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी कंपनी देखिए, सॉफ्टवेयर्स देखिए, ये लोग कभी नहीं करते कि आई एम परफेक्ट। दे कीप ऑन इवॉल्विंग, दे कीप ऑन इम्प्रूविंग, दे कीप ऑन अपग्रेडिंग देमसेल्व्स। उनका मूल मंत्र ही होता है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, बिकॉज
आप इस उत्क्रांति में आइदर इवॉल्व हो सकते हो, चेंज हो सकते हो, या फिर आप डाई करोगे। तो अगर आप आगे नहीं बढ़े, आपने बदलती हुई परिस्थितियों के साथ अगर खुद को नहीं डाला, तो आप इसमें आपका विनाश भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, रे डालियो, इनका ये 5 स्टेप मॉडल है दोस्तों। ये जो मॉडल है, इसमें इट इज बेसिकली अ 5 स्टेप प्रोसेस, इट्स अ स्ट्रक्चर, राइट। अगर आप इसमें पहला स्टेप जो है वो है गोल्स। अमूमन बहुत बार गोल्स रखने से हमारे जीवन में त्रासदी आ जाती है, हमें टेंशन आ जाता है, हमें स्ट्रेस का अनुभव होता है, और इसी के वजह से बहुत सारे लोग अपना करियर्स तो कर रहे हैं, काम पे तो जा रहे हैं, किसी मिशन पे तो है, लेकिन उन्हें अपने ध्येय पता नहीं है। क्योंकि जिस ही समय आप आपका ध्येय रखते हो, आपको वो सजग कराता है आपकी आज की वास्तविकता से, और आपका ध्येय और आपकी वास्तविकता, इसमें जो गैप होता है उससे आपको भय पैदा होता है, आपके मन में डर पैदा होता है, तान तनाव आता है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों का इससे निजात पाने का जो तरीका है, विजन रखने का ही नहीं, गोल्स सेट करने के ही नहीं। तो इस 5 स्टेप प्रोसेस में सबसे पहला जो आपको काम करना है वो है ध्येय रखना है। वो ध्येय कैसे रखेंगे, इस पे हम आगे आते हैं। सेकेंड है दोस्तों, आप गोल से आगे बढ़िए। सेकेंड स्टेप इसमें आपको है कि आपने जो गोल रखा है, आपने जो मिशन सेट किया हुआ है, उसमें आपको एंटिसिपेट करने की बाधाएं क्या आनी है, ऑब्स्टेकल्स क्या आएंगे, क्या प्रॉब्लम्स आएंगे। तो आप जब गोल रखते हो, तो आप इस मैं कहूँगा उस धुएं में मत रहिए कि कुछ ऑब्स्टेकल्स आएंगे ही नहीं। आपको तैयारी करनी है कि मुझे किन ऑब्स्टेकल्स के पार जाना है। जैसे मान लीजिए कोई एक मिलिट्री का मिशन है, जैसे हमने उरी मूवी में देखा था, तो जब उन्होंने मिशन सेट किया कि उस गांव को और उस लॉन्च पैड को उन्हें पूरी तरह खत्म करने के, तो पहले उसके पहले सारे प्रॉब्लम्स, क्या क्या ऑब्स्टेकल आ सकते हैं, उनके लोग कहाँ पे खड़े हैं, उनका पूरा वहाँ का लाइफस्टाइल कैसा है, दिनक्रम कैसा है, फिजिकल ऑब्स्टेकल्स कहाँ पे, रिवर्स कहाँ पे, माउंटेन्स कहाँ पे, उनके सर्वेलेंस डिवाइसेस कहाँ पे, पेट्रोलिंग टीम्स कहाँ पे, ये सारे वो ऑर्गेनाइज करते हैं, वो सारे प्रॉब्लम्स को एंटिसिपेट करते हैं। तो उसी तरह गोल्स रखने के बाद आपको सेकेंड स्टेप में प्रॉब्लम्स को अच्छे से आइडेंटिफाई करना है। थर्ड स्टेप इज डायग्नोसिस। देखिए दोस्तों, एक ही इवेंट बहुत सारे लोगों के साथ एक ही वक्त होता है, लेकिन सब लोगों का उसमें इंटरप्रिटेशन अलग-अलग हो जाता है। क्यों अलग-अलग हो जाता है? क्योंकि हमारा ये जो इंस्ट्रूमेंट है, हमारा ब्रेन, ये सबका अलग-अलग है। तो बहुत बार रियल प्रॉब्लम को देखने के लिए हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, हमारी जो दृष्टि है, वो एक बहुत ही पेचीदा काम करती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे ईगो बचाने के लिए हम जो रियल प्रॉब्लम्स हैं, उसका जो रूट कॉज है, उसको ध्यान नज़रअंदाज कर देते हैं। इससे हमारे ईगो को ठेच नहीं पहुंचती है। बहुत बार तो एक सबसे कारगर फार्मूला हम यूज़ करते हैं कि जब भी कोई फेलियर होता है, हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे, किसी एक्सटर्नल पर्सन पे उसका ब्लेम डाल देते हैं। तो दोस्तों, इस 5 स्टेप प्रोसेस में डायग्नोसिस का मतलब है रियल रूट कॉज। जब तक आप किसी बीमारी का रूट कॉज, मतलब उसके मूल से उसका पूरा उत्खनन नहीं करोगे, उसको समूल नहीं आप पूरा नष्ट करते, तब तक वो प्रॉब्लम नष्ट नहीं होगा। तो हमारा ब्रेन इसमें कैसे काम करता है, वो भी आगे हम इसमें देखेंगे। तो अब ये पहली जो 3 चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स, गोल्स, प्रॉब्लम्स और डायग्नोसिस, ये होने के बाद रे डालियो की सबसे रोचक स्टेप आपको अभी मैं बताता हूँ। द फोर्थ स्टेप इज डिज़ाइन। देखिए, रे डालियो क्या कहते हैं? रे डालियो कहते हैं कि आप ऐसा समझिए कि आपका जीवन, आपका मकसद, आपका गोल, आपका मिशन एक पबजी की गेम की तरह है, एक मोबाइल गेम की तरह है, जिसमें आपको एक गोल हासिल करना है, और आप और आपके लक्ष्य के बीच में कुछ कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं। तो अभी आप क्या करोगे, उन सारे ऑब्स्टेकल्स को पार करने के लिए आप एक डिज़ाइन तैयार करोगे, एक स्ट्रैटेजी तैयार करोगे, एक प्लान तैयार करोगे। फिर से आता हूँ उरी मूवी की तरफ, उन्होंने जो टीम्स बनाई, उसमें पैरा ट्रूपर्स क्यों रखे, स्नाइपर्स क्यों रखे, लॉन्ग डिस्टेंस ये कैसे, रॉकेट लॉन्चर्स कैसे रखे गए, कहाँ पे पैरा ट्रूपिंग करेंगे,
वो वहां से कैसे क्रॉस होगा? एक वो डिवाइस दिखाया था, समथिंग लाइक एक रिमोट सर्वेलेंस डिवाइस दैट दैट लुक लाइक अ बर्ड, आई फॉरगॉट व्हाट इट इज कॉल्ड. तो उसका इस्तेमाल करके उन्होंने एक ऐसा डिजाइन बनाया कि जिससे मिशन सक्सेसफुल हो पाए. छोटे छोटे एक्सप्लोजिव डिवाइसेस थे, नाइट विजन कैमरास थे, कमांडोस को चुना गया था, सिलेक्टिव कमांडोस को चुना गया. तो उस मिशन का डिजाइन उन्होंने उस तरह से किया गया था कि जिससे उनको सक्सेस हासिल हो सके. तो रे डालियो एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट कहते हैं. वो कहते हैं कि आप ये पेन से खुद को उभारो, सारा सक्सेस जो है, वो कहते हैं कि पेन प्लस रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू सक्सेस. आपको जब जब प्रॉब्लम आते हैं तो आप एक हायर लेवल पे जाओ और खुद के ही अपैरेटस या डिजाइन या मशीन को देखो. व्हाट इज सेइंग इज बी ऑब्जेक्टिव अबाउट व्हाट यू आर डूइंग. आप जो भी कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको बिजनेस में आपने एक गोल रखा कि मेरा इतना सेल्स होना चाहिए या इतना मेरा मार्केट शेयर होना चाहिए, और आप एंड ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर आपका आउटपुट देख रहे हैं. तो आपने जब आपके आउटपुट को आपके डिजायर्ड या सेट गोल से कंपेयर किया तो आपको कुछ एनालिसिस मिला. आइदर यू मेट योर गोल और यू डिड नॉट मीट योर गोल. तो जब आपका गोल मीट नहीं हो रहा है तो आप खुद को बैश मत कीजिए. डोंट टेक दैट मच पेन. रादर यू सी योर बिजनेस एज अ मशीन. यू सी योर बिजनेस विच इज डिजाइंड इन अ सर्टन मैनर. एक मशीन में जैसे पुर्जे होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, आप उन कंपोनेंट्स को देखिए. यू सी द मशीन्स विद इन द मशीन. उस अपैरेटस को आप चेंज कीजिए. मान लीजिए कोई मिलिट्री मिशन या कोई बिजनेस मिशन अगर फेल होता है तो पेन को इतना दिल पे नहीं लेना है कि आपका पूरा मनोबल ही खो बैठे. रादर आप देखें कि मैं क्या क्या चेंजेस कर सकता हूँ. वो है डिजाइन. इसके ऊपर फिर आता हूँ. और फिफ्थ और फाइनल स्टेप है इज टेकिंग एक्शन. क्या आपके सक्सेस के पैरामीटर्स होंगे, आप आपका प्रोग्रेस कैसे गिनोगे और कैसे खुद को मोटिवेट रखोगे, ये इस 5 स्टेप में है. तो दोस्तों ये जो 5 स्टेप प्रोसेस है, बेसिकली इट इज अ स्ट्रक्चर वो आपको बताएगा कि आपके थिंकिंग या एक्शन के पैटर्न्स क्या हैं. बहुत बार अमूमन ये होता है कि बार बार हम एक ही गलती करते हैं. हम कोई भी गोल ले, कोई भी मिशन ले, हमारे बिहेवियर के, थिंकिंग के, एग्जीक्यूशन के पैटर्न्स होते हैं. बहुत सारे लोग गोल्स ही नहीं रखते हैं. कुछ लोग गोल्स रखेंगे तो उसमें प्रॉब्लम्स एंटिसिपेट नहीं करते हैं. उन्हें सारा लगता है कि एवरीथिंग इज ग्रीन, द स्काई इज वेरी ब्लू, दे डोंट एंटिसिपेट प्रॉब्लम्स. तो उनके डिजाइन में वो प्रॉब्लम्स का हल नहीं रहता है, इसके वजह से मिशन फेल हो जाता है. बहुत बार ऐसा होता है कि गोल्स रखे गए हैं, प्रॉब्लम्स भी एंटिसिपेट कर लिए गए हैं, लेकिन ईगो के वजह से, ब्लाइंड स्पॉट के वजह से अपने वीकनेस ना एडमिट कर देख पाने के वजह से रियल डायग्नोसिस नहीं हो पाता है. तो डायग्नोसिस में गड़बड़ होती है. कभी कभी डिजाइन आप फ्लेक्सिबल नहीं रहते, और कभी कभी चारों स्टेप्स लेने के बाद भी आप एक्शन नहीं ले पाते हो. तो आप में कौन से मिस्टेक्स हैं वो स्पेसिफिकली आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मैं कौन से स्टेप में वीक हूँ, ठीक है ना. तो जब आप ये मॉडल फॉलो करोगे तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना है और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है अपने रिजल्ट्स के लिए, ठीक है ना. दोस्तों आगे बढ़ते हैं. पहला स्टेप देखेंगे, दैट इज गोल्स. देखिए आप जब भी गोल्स रखें उसको रखिए विलियम बोइंग की तरह. विलियम बोइंग एक 17 साल का कारपेंटर का बेटा एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट हो जाता है और उस गोल को चेस करने लग जाता है जिसका नाम है कमर्शियल अप्लीकेशन ऑफ पावर्ड एयरक्राफ्ट. 1904 में जब राइट ब्रदर्स ने दुनिया का सबसे पहला पावर्ड एयरक्राफ्ट बनाया, तो उसके बाद उन्हें अगर किसी ने पूछा कि क्या कमर्शियल एयरक्राफ्ट बन सकता है, तो उनका जवाब था कि कमर्शियल एयरप्लेन कभी भी बन नहीं सकते हैं. एयरक्राफ्ट का उपयोग ये सिर्फ पिकनिक स्पॉट्स पे मनोरंजन करने के लिए है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं. उसके बाद 1910 में अमेरिकन साइंटिफिक जर्नल में उस सदी की 100 सबसे बेवकूफ़ी वाली आइडियाज़ का लिस्ट बनाया गया. उस आइडियाज़ में सबसे टॉप जिस आइडिया ने किया था उसका जिक्र था. उस आइडिया वो आइडिया थी कमर्शियल
कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ एयरक्राफ्ट। लेकिन ये दोनों जिन्होंने इजाद किया था और पूरी अमेरिकन साइंटिफिक कम्युनिटी के विचारों के विरुद्ध 1917 में विलियम बोइंग कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गए और उन्होंने प्रण किया, उन्होंने मिशन रखा कि मैं कमर्शियल एयरक्राफ्ट बनाऊंगा। तो गोल्स दोस्तों इस तरह से हो जाएं कि आपको अंदर से झंझोड़ दें, आपके नसों में इतना रक्तों का स्त्राव हो कि आप एक्शन लेने के लिए बेचैन हो जाएं, आपकी रातों की नींद हराम हो जानी चाहिए, इस तरह के आप गोल रखिए। लेकिन जैसे हमने पहले देखा कि ड्रीम्स अलोन विल नॉट मेक यू सक्सेसफुल, सिर्फ आपको ख्वाब देखने से आपको यश नहीं मिलेगा, उसमें जोड़ होना चाहिए रियलिटी का। अभी देखिए, राइट ब्रदर्स ने, जिन्होंने इस एयरक्राफ्ट का इजाद किया था और जो बाकी सारे लोगों से इस स्पर्धा में आगे थे एयरक्राफ्ट बनाने के, उन्होंने तीन प्रकार के प्रॉब्लम्स फेस किए टू मेक कमर्शियल एयरक्राफ्ट। पहला प्रॉब्लम था कि कमर्शियल एयरक्राफ्ट में सेफ्टी का बड़ा कंसर्न था, तो कैसे गारंटी होती पैसेंजर्स की सेफ्टी उस एयरक्राफ्ट में। सेकेंड था कि उस समय जो वर्कशॉप्स थे वो इतने अच्छे क्वालिटी के पार्ट्स नहीं बना पाते थे जो कि जो एयरक्राफ्ट में काम आ सकते, और थर्ड अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर। लेकिन बोइंग ऐसे ही इतना बड़ा सपना लेके इस दुनिया में नहीं आया था, उसने इन प्रॉब्लम्स को समझा और इस प्रकार से उसने अपनी स्कीम डिजाइन की कि जिससे उसे यश मिला। देखिए, सबसे पहले उसने अपनी पूरी पूंजी, अपनी पूंजी, अपने पिता की पूंजी, इनफैक्ट उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उससे भी उसने कर्जा लेने से हिचकिचाया नहीं, ये सारा पैसा उसने इन्वेस्ट कर दिया मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, दुनिया में सबसे महंगा और सबसे पहला विंड टनल बनाया विलियम बोइंग ने इस यूनिवर्सिटी के अंदर। और ये आज उस जमाने में इन्होंने कमर्शियल एयरक्राफ्ट पे सारे फोर्सेस विंड के कैसे होते हैं ये जांचने के लिए इन्होंने तैयार किया। सेकंड जो ये था कि स्किल्ड मैन पावर नहीं मिल रहा था, इसलिए इन्होंने फंडिंग किया, इन्होंने इंजीनियर्स को हायर किया, उनके एजुकेशन फंडिंग किए, MIT के साथ टाई अप करके इन्होंने काफ़ी सारा रिसर्च उस माध्यम से करवाया और अच्छे इंजीनियर्स अपने कंपनी के लिए हायर किए। थर्ड, इन्होंने बहुत सारे अच्छे क्राफ्ट्समैन को, वर्कशॉप ओनर्स को अपने शहर के कन्विंस किया एक बड़े ड्रीम के लिए, उनको पार्टिसिपेंट बनाया, उनको पार्टनर्स बनाया इस सपने में कि हम एक दिन कमर्शियल एयरक्राफ्ट बनाएंगे। और ऐसे उन्होंने अपनी सारी योजना बनाई जिससे कि वो अपने ड्रीम्स को पा सके। तो फॉर्मूला वही है दोस्तों, ख्वाब देखिए लेकिन वास्तविकता, रियलिटी के ऊपर आपका सारा प्लान होना चाहिए, और ये करते करते बाधाएं बहुत आएंगी तो आपको दृढ़ निश्चय यानी डिटर्मिनेशन लगेगा, राइट। अभी तो सबसे पहला स्टेप है गोल्स। हमने पहले देखा कि बहुत बार गोल्स रखने से मन में भय का निर्माण होता है, भीति आ जाती है, डर आ जाता है, बहुत बार एक्शन लेने के लिए वो तैयारी नहीं होती है, तो वो सारे प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत सारे लोग गोल्स नहीं रखते हैं। लेकिन दोस्तों, हम में से जो लोग जो गोल्स रखना चाहते हैं, बड़े ये मिशन पे जाना चाहते हैं, उनके लिए बोलता हूँ दोस्तों, गोल्स शुड बी आउट ऑफ रीच बट दे शुड नॉट बी आउट ऑफ साइट। तो गोल्स आप बड़े रखिए, ले वो आपके हाथ में ना आए चले, लेकिन आपकी नज़र से दूर नहीं होना चाहिए। तो स्टीव वॉ, ये पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट कप्तान, कहते हैं कि ऑलवेज शूट फॉर द स्टार्स, ऑलवेज शूट फॉर द स्टार्स, इवन इफ यू फेल यू विल लैंड ऑन द मून। तो यही तरीका है गोल्स रखने का। देखिए, आप जब भी गोल्स रखें तो आप एक बहुत ही प्रचलित मॉडल है स्मार्ट, SMAART, बड़े ही फेमस बिहेवियर कोच रहे हैं जॉन विटमोर, उनका मॉडल है ये। इसमें इन्होंने बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया कि गोल्स आप कैसे रखें। गोल्स आपने रखने हैं बहुत ही स्पेसिफिकली, बहुत ही पैने होने चाहिए आपके गोल, बहुत ही शार्प होने चाहिए, वो क्वांटिफाइबल होने चाहिए। और दोस्तों, ये तो कहा ही जाता है कि ड्रीम्स विथ डेडलाइंस इज इक्वल टू गोल। तो
तो अगर आपके सपनों को अगर आप टाइम बाउंड अगर डेडलाइन देते हो तो ही उसका रूपांतरण गोल में होता है। तो लेकिन अभी एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि व्हाट डू यू डू व्हाइल सेटिंग योर गोल। सबसे पहले आप जो भी गोल रखें, जो भी मिशन रखें, आप उसकी जिम्मेवारी लीजिए, आप रिस्पॉन्सिबल रहिए उसके आउटकम को। बहुत बार ऐसे होता है कि गोल्स हम सिर्फ नाम मात्र के लिए लेते हैं और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे, एक्सटर्नल कंडीशंस पे उसका ब्लेम डाल देते हैं जब वो गोल पूरा नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको जो भी गोल्स आप सेट करोगे उसके आउटकम के लिए आप जिम्मेवार हो, तभी आप उस गोल को हासिल कर सकते हो। सेकेंड हो, आप जब भी ये बड़े गोल चेस कर रहे हो ना, तो बहुत बार क्या होता है कि उसमें जितनी जानकारी आपको चाहिए या आपके हिसाब से चीजें नहीं जाती है। तो आप जब भी गोल चेस करें, बी वेरी फ्लेक्सिबल। बी वेरी फ्लेक्सिबल का मतलब दोस्तों ये नहीं कि आप गोल्स चेंज करते रहे टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं कि गोल्स अगर आपके हासिल नहीं हो रहे तो आप वो गोल्स को छोटा कर दें, उस तरह का फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ योर स्ट्रेटेजी, फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ योर डिजाइन, फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ योर प्लानिंग, इन टर्म्स ऑफ द एक्शंस दैट यू आर टेकिंग। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कामयाबी के रास्ते तो अनेक होते हैं, आपके हाथ कौन से लग जाए, आपके स्टाइल के लिए कौन सा अनुकूल हो, कभी कभी वो ढूंढने में, सही रास्ता ढूंढने में आपको टाइम जा सकता है। इसलिए सेकेंड पॉइंट है बी फ्लेक्सिबल। थर्ड इज, और इस पे थोड़ा जोर दूंगा क्योंकि हम में से बहुत से लोग ये गलतियां करते हैं कि हम जब भी बड़े लक्ष्य का पीछा करते हैं तो हम एक चीज को कैलकुलेट करना या एक चीज के लिए तैयारी हमारी कम पड़ जाती है, और वो है द एबिलिटी टू डील विथ सेटबैक्स। हम लोग पता नहीं क्यों लेकिन ये मान के चलते हैं कि अगर गोल पूरा होना है तो पहले झटके में होना चाहिए। वी आर नॉट रेडी फॉर सेटबैक्स, वी आर नॉट रेडी फॉर फेलियर्स, वी डोंट हैव एनी साइकोलॉजिकल प्लान कि यार जब भी झटका लगेगा, जब भी फेलियर लगेगा तो हाउ एम आई गोइंग टू डू डील विथ इट साइकोलॉजिकली। क्योंकि सबसे पहले तो आपकी साइकी पे अटैक होगा जब आप फेलियर होते हो। तो अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, फ्लेक्सिबिलिटी अगर आप रखते हो आपके एक्शंस और स्ट्रेटेजी के प्रति, और अगर आपके पास एक बैकअप प्लान है कि हाउ आर यू गोइंग टू डील विथ व्हेन सेटबैक्स कम, तो आप बहुत बड़े बड़े गोल्स को अचीव कर सकते हो। आगे चलते हैं दोस्तों, गोल्स के बाद अभी प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या होता है कि आप जब भी, सेकेंड स्टेप है प्रॉब्लम्स, अभी आप जब भी ये बड़ा मिशन हासिल करने जाते हो तो प्रॉब्लम्स आते हैं। इस मिशन में आपको सेटबैक्स मिलते हैं, आपसे आपको फेलियर का सामना होता है, और जब भी फेलियर का सामना होता है इससे आपकी कुछ मिस्टेक्स और वीकनेसेस आपकी एक्सपोज होती हैं। तो बहुत बार क्या होता है, वो एक हार्श रियलिटी होती है, वो एक ऐसा दर्द आप में महसूस करते हो आप, कि फिर आप उससे भागना चाहते हो। क्योंकि मिस्टेक्स एक्सेप्ट करने में ईगो को ठेस पहुंचती है, बहुत बार हमें सहन नहीं होता, इसलिए हम उससे दूर भागते रहते हैं। तो दोस्तों इस पूरे स्ट्रक्चर में ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ इसको मिस मत कीजिएगा। जब भी आपका सामना किसी आपके अंदर के एरर्स, मिस्टेक्स या वीकनेसेस से हो, तो उससे आप शर्मसार ना होइए, उसको आप छुपाइए मत। कोई ज़रूरत नहीं है शेम फील करने का, कोई उसमें शर्म की बात नहीं है। देखिए वीक होना, मिस्टेक्स होना, गलतियाँ होना स्वाभाविक है, हर कामयाब इंसान में वो होता है। लेकिन ये जो असली कामयाबी जो पाते हैं वो लोग अपनी मिस्टेक्स को सरफेस पे लेके आते हैं, वो लोग अपनी मिस्टेक्स पे काम करते हैं। मैं अगले एग्जांपल में इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आपको दूंगा। तो मिस्टेक्स की तरफ आपने एक तो उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, और जब जब आपको पेन हो तब आप ये फॉर्मूला यूटिलाइज करें कि पेन प्लस रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू सक्सेस। तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है एनालिसिस। उस पेन में ना दोस्तों कुछ सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं, आप सेल्स में हैं, आपसे कन्वर्जन नहीं हो रहे, तो पेन होगा आपको। आपको लग रहा था कि एक कस्टमर मेरे हाथ में आ गया है लेकिन कस्टमर आपके हाथ से फिसल गया, तो आपको वो जो जजमेंट नहीं आया उससे पेन होगा। उस दिन का जो आपका पूरा एफर्ट वेस्ट हो गया उससे आपको पेन होगा। आप अगर R&D में हैं किसी फार्मा के, और आपको बहुत सालों से अगर मॉलिक्यूल हाथ में नहीं लग रहा है किसी बीमारी का, तो आपको पेन होगा।
आप अगर किसी फैशन इंडस्ट्री में हैं और आपके लुक्स के वजह से या फिटनेस के वजह से अगर आपको वहाँ पे नकारा जाता है, आपको पेन होगा। आप अगर बिजनेस में हैं, आपके कुछ डिसीजन के वजह से कंपनी को लॉस होता है, तो आपको पेन होगा। तो जब जब ये पेन होता है दोस्तों, जब ये दर्द होता है दोस्तों, इसको आप लीजिए एज अ सिग्नल और एक साइकोलॉजी डेवलप कीजिए, एक हैबिट डेवलप कीजिए, जिसको कहते हैं कि जब जब आपको पेन आए, आप एनालाइज करें, आप रिफ्लेक्ट करें, आप सोचें कि ये पेन आपको क्या सिखाने आया है। पूरा रे डालियो का बिलियनेयर बनने का पूरा जो सफ़र है, उसी में बार बार इस में जिक्र किया है रे डालियो ने कि आप आपकी वीकनेस से ना भागें, आप समझें। तो अगर आप उसके पार हो गए दोस्तों, तो मज़ा आएगा आपको। जैसे एक खिलाड़ी होता है कि अपनी वीकनेसेस पे मात पाता है तो बड़ा मज़ा करता है वो, ठीक है ना। अभी एक एग्जांपल लेता हूँ, हमारे एक कलीग हैं ऑफिस में, तो करीब करीब 2 क्वार्टर से वो अपने सेल्स के टारगेट पूरे नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे हर मंथली या हर क्वार्टरली रिव्यू में होता है, तो वी वांटेड टू अंडरस्टैंड कि क्यों उनके रिजल्ट्स जो हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं, उनको जो भी टारगेट्स दिया गया है वो पूरा क्यों नहीं हो रहा है। तो उन्होंने प्रॉब्लम बताया कि ही मेंशन सर्टेन प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहला उनका जो थॉट वो ये था कि सर मुझे टाइम सफिशिएंट नहीं मिलता है, इसके वजह से मेरा काम कंप्लीट नहीं हो रहा, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, इसके वजह से मुझे टाइम कम। तो देखिए, गौर कीजिए, यहाँ पे सरफेस पे प्रॉब्लम क्या बताया गया, टाइम नॉट सफिशिएंट एंड आई एम टू बिजी। तो हमने बाकियों से भी जानकारी ली, इधर उधर उनके कलीग्स को भी पूछा, उनकी सिंसियरिटी के बारे में जांच पड़ताल की, तो पता चला कि साहब तो बड़े सिंसियर हैं। इनफैक्ट तो उनके घर वालों की कंप्लेंट है कि ये फैमिली को ध्यान नहीं देते, इतना ऑफिस वाले इनसे काम कराते हैं। तो हम थोड़े अचंभित हुए, थोड़े आश्चर्यचकित हुए, जब और ज़्यादा डायग्नोसिस किया तो हमें उनको हमने एक सुझाव दिया। सुझाव हमने ये दिया कि हो सकता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं हो, ठीक है ना। तो जब सारी जांच पड़ताल की गई तो ये डायग्नोसिस निकला कि सर वो जो हमारे कलीग थे वो अपना उनका जो मेजर की एरिया था उस पे ज़्यादा काम नहीं कर रहे थे। तो फिर हम जब उनके साथ बैठे, हमारी टीम, तो हमने एक डिज़ाइन बनाया, एक प्लान बनाया। हमने कहा कि टाइम मैनेजमेंट, जैसे कि मैं पहले भी अपने वीडियो में कह चुका हूँ कि टाइम मैनेज करना ये सेकेंड स्टेप है, पहली स्टेप है आप अपने टाइम को रिकॉर्ड कीजिए, ज़रा पता कीजिए कि आपका वक्त जा किधर रहा है, उसके बाद हम आगे प्रक्रिया करेंगे। तो हमने इन साहब को यहाँ पे ये डिज़ाइन दिया कि आप अपने टाइम का ज़रा एक महीने का हिसाब रखिए कि आपका वर्क ज़्यादा किधर है। उन्होंने सारे उसके ऊपर एक्शंस लिए और उसी के बाद देन फिर द रियल डायग्नोसिस केम। और रियल डायग्नोसिस क्या था कि साहब जो मेजर अपना की एरिया था उसको छोड़ के छोटे 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 नॉन रिजल्ट एरियाज में काम कर रहे थे, और वो इस वजह से नहीं कर रहे कि कंपनी उनको कह रही थी या फिर वो बहुत बिजी थे, उनका नेचर था टू बी अ परफेक्शनिस्ट, वो परिपूर्णता के क्या कहूँ मैं, शायद अध्यापक थे, परिपूर्णता उनके खून में बसी थी। हर एक छोटा काम, एक छोटा सा मेल जो 2 शब्दों में लिखा जा सकता था उसके लिए वो 1 घंटा स्पेंड करते, बार बार अपनी लिखाई को देखते, हर एक चीज़ में उनको परफेक्शन चाहिए होता था। तो उसी के वजह से वो की रिजल्ट एरिया पे काम नहीं कर रहे थे। तो लेकिन उन्हें क्या लगा प्रॉब्लम, उन्हें प्रॉब्लम लगा कि मैं बहुत बिजी हूँ। एक्चुअली वो प्रॉब्लम बिजीनेस का नहीं था, प्रॉब्लम था कि ही हैड अ परफेक्शनिस्ट माइंड सेट, उन्हें कोई भी चीज़ ऐसे वैसे पसंद नहीं थी, और इसी की वजह से उनका काम इम्पैक्ट हो रहा था। तो दोस्तों, अभी जब उन्होंने ये अवेयरनेस उनके अंदर आई कि मैं इस तरह से अपने कामों को मिस आउट कर रहा हूँ, तो अगर मुझे मेरे गोल्स हासिल करने हैं तो क्या फॉर्मूला है, गोल्स प्लस रियलिटी, आपको रियलिटी को देखना है, उसी से आपको सक्सेस आएगा। स्पोर्ट्स की दुनिया का एक बेहतरीन एग्जांपल है राहुल द्रविड़। 1996 में जब इन्होंने इंडिया के लिए टेस्ट मैच में डेब्यू किया, छा गए, अगले आने वाले 2 साल में टेस्ट के सीन पे
सबसे बेहतरीन क्रिकेटर नामों में इनका नाम शामिल हुआ, लेकिन जितना अच्छा ये टेस्ट क्रिकेट में कर रहे थे उनका वनडे में उतना फॉर्म अच्छा नहीं चला, और उसी के चलते कुछ लंबे समय से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, उसी के चलते 1998 में इनका टीम में चयन नहीं हुआ। बड़े दुखी हुए राहुल द्रविड़, और बड़े परेशान हुए कि इतना बड़ा प्लेयर और टीम से ड्रॉप कर दिया गया। तो लेकिन क्या किया एक सुपरस्टार बैट्समैन ने, देखिए इनकी कहानी शायद आपको बहुत अच्छा कुछ सिखाए। राहुल द्रविड़ ने सबसे पहले तो अपने कोचेस और अपने दोस्तों के साथ बैठ के सारे प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करना चालू किए। उन्होंने कोई शर्म कोई एम्बैरेसमेंट नहीं समझी इस बात में कि मैं एक इतना बड़ा स्टार प्लेयर हूं और मेरे से छोटे कद के प्लेयर से मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं। अपनी वीकनेसेस, सारी वीकनेसेस उन्होंने सरफेस पे ला दी। सेकेंड, एम्बेरसमेंट नहीं था, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ना उन्होंने बीसीसीआई को, ना तब तब के अपने कप्तान को या कोचेस को या अपने टीममेट्स को उन्होंने ब्लेम किया उनके टीम में चयन न होने के लिए। उन्होंने रियल टाइम आइडेंटिफाई किए प्रॉब्लम्स और उसका डायग्नोसिस किया। तीन प्रॉब्लम्स राहुल द्रविड़ ने आइडेंटिफाई किए थे। वन था कि रनिंग बिटवीन द विकेट्स उनका स्लो था, और फील्डिंग के लेवल्स उनके थोड़ा सा, उनका जो मापदंड थे उनके जो स्टैंडर्ड्स थे तब थोड़े से उनके कम पड़ रहे थे। थर्ड, जब उनके आंकड़े देखे गए वनडे इंटरनेशनल में तो उनका जो स्ट्राइक रेट था वो समवेयर अराउंड 60-64 था, लेकिन अभी वनडे इंटरनेशनल के स्टैंडर्ड्स और मापदंड खुद में काफ़ी बदल रहे थे, और इसी का खामियाजा राहुल द्रविड़ को बदलना पड़ा। लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स थे इसके सरफेस के नीचे राहुल गए, राहुल द्रविड़ इसके नीचे गए, उनको पता चला कि रियल प्रॉब्लम वॉज नॉट रनिंग बिटवीन द विकेट्स और स्लॉपी फील्डिंग, द रियल प्रॉब्लम वॉज हिज फिटनेस। तो उसी के ऊपर उन्होंने अभी अपना लाइफ स्टाइल और क्रिकेटिंग प्रैक्टिसेस चालू किए कि अपनी फिटनेस पे उन्होंने अभी ज़्यादा जोर। सेकेंड, वो जो ज़्यादा स्ट्रोक्स नहीं मारते थे उसके पीछे उनको आउट होने का जो डर बैठ गया था, द फियर ऑफ गेटिंग आउट, इसके वजह से वो स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पा रहे थे और बड़े स्ट्रोक्स नहीं लगा पा रहे थे। तो उन्होंने अभी अपने फिजिकल फिटनेस पे तो काम किया ही, लेकिन साइकोलॉजिकल इस पे भी काम किया। तो राहुल द्रविड़ जब इन्होंने ये किया, तो जब उसके बाद जब 1 साल बाद उनका चयन हुआ, तो वापसी वाली सीरीज में इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड में 2 शतक लगा के मैन ऑफ द सीरीज बने थे। तो क्यों हो पाया दोस्तों ये, क्योंकि जब उन्होंने अपने अंदर की वीकनेस को एनकाउंटर किया, वो शर्मसार नहीं हुए, उन्होंने उस वीकनेस को एक्सपोज किया, एंड ही वॉज वेरी वेरी स्पेसिफिक कि वॉट इज द प्रॉब्लम। बहुत बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम राइटली आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है। प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है, स्पेसिफिक क्या प्रॉब्लम है, ये पता नहीं होने की वजह से आगे के पूरे जो 5 स्टेप प्रोसेस में दिक्कतें आती हैं। और लास्टली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन लर्न फ्रॉम द वे राहुल द्रविड़ सॉल्व हिज प्रॉब्लम वाज, एक बार जब उन्हें पता चल गई ना उनकी वीकनेस, उन्होंने उस वीकनेस को टॉलरेट नहीं किया। ही डेंट एट ऑल टॉलरेट द वीकनेसेस द एरर्स इनसाइड हिम। उन्होंने कोई ईगो पे नहीं आने दिया, ही जस्ट प्लेड इट एज अ गेम, और उन्होंने उस वीकनेस को एलिमिनेट किया, और रिजल्ट आपके सामने है। करते करते इंडियन टीम के आधार स्तंभ बने, और एक समय पे इंडियन ओडीआई क्रिकेट टीम के कप्तान भी बने राहुल द्रविड़, जिनको 1998 में ड्रॉप किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सेशन थोड़ा लंबा हो चल रहा है, डायग्नोसिस की तरफ आते हैं। द थर्ड स्टेप इज डायग्नोसिस, जिसको कि हम लोग जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से वो जानते हैं कि इसको कहते हैं रूट कॉज एनालिसिस। तो हमारा ये जो मेंटल इंस्ट्रूमेंट है ना, ये हमें रियल रूट कॉज तक जाने नहीं देता है। हमने अगर प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई कर लिए तो हम दूसरों को दोष देने में, परिस्थितियों को दोष देने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हमारे इनरेंट वीकनेसेस को हम देख ही नहीं पाते हैं। वजह नंबर वन, वन जैसे मैंने स्लाइड नंबर वन में कहा था कि स्लाइड नंबर वन में कहा था कि हम समझते हैं खुद को परिपूर्ण, हमको लगता है हम परफेक्ट हैं। हमारा ग्रेजुएशन होने के बाद पहला जॉब से ही हमारे लोगों का एजुकेशन रुक जाता है, हम लर्निंग भूल जाते हैं, हमारे में ईगो आ जाता है, जिसके वजह से हम अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाते।
सेकंड है जिसका कि मैं बार बार अपने प्रेजेंटेशन में जिक्र करते रहता हूं, और वो है ब्लाइंड स्पॉट्स। हमारी जैसी दृष्टि की एक सीमा है, एक लिमिट है, हमारी श्रवण शक्ति की एक सीमा है, वैसे भी हमारा खुद के शक्तियों को और खुद की खामियों देखने की भी एक सीमा है, तो उसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। वो ऐसी जो वीकनेसेस है हमें, जो हम में है लेकिन हमें पता नहीं है। या तो इन्हीं सारी रीजंस के वजह से प्रॉब्लम ठीक से डायग्नोज नहीं हो पाते, और उसी की वजह से हमारे डिजाइन में खामियां हो जाती हैं और हम अपना मिशन अचीव नहीं कर पाते हैं। एक मेरे फ्रेंड हैं जो सेल्स में थे, तो उनका एक बहुत ही बड़े क्लाइंट का ऑर्डर लाना था, ये उनका गोल था। और प्रॉब्लम ये हो रहा था कि सेल्स साइकिल बड़ी लंबी चल रही थी, कम से कम 6-7 महीने हो गए थे सारे प्रेजेंटेशन देने के बाद, सारी चीज़ें क्लाइंट का नीड आइडेंटिफाई करने के बाद, राइट सॉल्यूशन डिज़ाइन देने के बाद भी पीओ ऑर्डर या ऑर्डर क्लोज नहीं हो रहा, जिसे सेल्स में कहते हैं कि क्लाइंट फाइनली एग्री नहीं हो रहा था। तो 6-7 महीने से चक्कर लगा रहे थे, फॉलोअप्स ले रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। उनका डायग्नोसिस था कि समझ में नहीं आ रहा था उनको कि क्या रूट को प्रॉब्लम है। तो उन्होंने जब अपने सारा हायर मैनेजमेंट से ये बात डिस्कस की बिना छुपाते हुए, सारा तथ्य उनको बताया, तो उनके बॉस ने पूछा कि वो किससे डील कर रहे हैं। तो जब क्लाइंट साइड के मैनेजर का नाम बताया गया तो उनके बॉस अब हंसने लगे, थोड़े से स्मित हास्य से उन्हें बोला कि आप गलत आदमी से बात कर रहे हो, जो वो जिस बंदे का नाम बताया था वो तो वो कंपनी की एक लायबिलिटी है। अभी वो उस उम्र में पहुंच गए कि कंपनी उन्हें निकालना नहीं चाहती है। तो उनकी एक ये पुरानी आदत है कि सेल्स पर्सन को बुला के एंगेज रखने का, लेकिन वो कंपनी में कोई भी उनकी हैसियत नहीं है, ना वो कोई डिसीजन मेकर है, ना कोई इन्फ्लुएंसर है, ना वो केस को कोई आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, 7 महीनों से मेरे फ्रेंड एक प्रॉब्लम पे स्टक हो गए थे। अगर वो ब्लेम डाल देते कि नहीं इंडस्ट्री में तो ऐसा ही काम चलता है, तो कभी वो रियल डायग्नोसिस नहीं कर पा रहे थे कि ही वॉज नॉट टॉकिंग टू द राइट पर्सन इन द क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन। नंबर वन, उस ऑर्गेनाइजेशन के सही व्यक्ति से वो बात नहीं कर पा रहे थे कि जो ऑर्डर उनका गोल पूरा करने में मदद करता। सेकेंड सवाल, उनके इतना अनुभव होने के बाद भी उनके कस्टमर के जजमेंट पे भी था कि कैसे उन्हें ये पता नहीं चला कि ये बंदा डिसीजन मेकर नहीं है। तो जब राइट डायग्नोसिस हुआ तो चीज़ें सही परिप्रेक्ष्य में आई कि, और सही उसको पर्सपेक्टिव मिला कि गलती कहाँ पे थी। गलती थी डायग्नोसिस में। तो कंपनी ने फिर से रेकी किया, उनके बॉस से इनपुट लिए, अभी इस नए नज़रिए से, नए रियल स्पेसिफिक डायग्नोसिस से मेरे दोस्त फिर से उस कंपनी में गए, उन्होंने रेकी की, आइडेंटिफाई किया राइट डिसीजन मेकर, सही सही एक्शंस लिए और आगे बढ़ गए। तो जब आप रूट एनालिसिस करते हो तो आपको ईगो से बचना है, आपको ब्लाइंड स्पॉट से बचना है, और एक बीमारी है जिसको कहते हैं हम लोग लैक ऑफ सेल्फ असेसमेंट। आपको पता ही नहीं है कि आप में स्ट्रेंथ्स क्या है, आप में वीकनेसेस क्या है, कहाँ पे है अपॉर्चुनिटी और एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो हमारे दोस्त को लकीली पता चल गया कि कस्टमर का जजमेंट उनका थोड़ा सा वीक है, तो उन्होंने एक ऑनलाइन कोर्स करके उस खामी को दूर किया। तो दोस्तों अगली वाली स्टेप देखते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। इंटरेस्टिंग किस्सा है यूएस नेवी से। देखिए रे डालियो कहते हैं कि जब आप कोई मिशन पे हो ना तो ऑब्स्टेकल्स आएंगे, उससे पेन आएगा। उनका फॉर्मूला क्या है, पेन प्लस रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू सक्सेस। एंड व्हाट ही सेज कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को, आपके खुद को आप देखो एक मशीन की तरह, आप एक हायर पर्सपेक्टिव से, एक हायर रियलिटी से, आप ऊपर से देखो कि ये मशीन कैसे ऑपरेट कर रहा है। और अगर आपको डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल रहा है, अगर आपको जो आउटपुट आज मिल रहा है, जो आपकी रियलिटी है और जो आपने ध्येय रखा था या गोल रखा था, अगर उसमें गैप है तो आपके मशीन का डिजाइन चेंज कीजिए। नीड नॉट बी इन पेन बट यू चेंज द डिजाइन। तो ये कहानी सुनिए, आई थिंक
काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बात है यूएस नेवल शिप की, जिसमें बहुत सारे जूनियर ऑफिसर्स जो हैं वो एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं कर रहे थे वहाँ के सुपीरियर्स के, तो इनको टर्म दे दिया गया लो परफॉर्मर्स। तो अभी ऐसे बहुत सारे लो परफॉर्मर्स हो गए थे, तो नेवी की मैनेजमेंट का एक डिसीजन हुआ, उनके हायर ऑथोरिटीज का एक डिसीजन हुआ कि हमें इन लो परफॉर्मर्स को ट्रांसफॉर्म करना है हाई परफॉर्मर्स में। तो सबसे पहले प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए गए, तो प्रॉब्लम्स में पता चला कि ये लोग ड्रेसिंग अच्छे से नहीं करते हैं, ये लोग डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं, ये रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते हैं। तो इसका जब ये सारे प्रॉब्लम्स का जब डायग्नोसिस किया गया, तो पता चला कि इनका बिहेवियर थोड़ा सा कैजुअल है, ये थोड़ा सा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इनमें कम है। तो ये डायग्नोसिस के साथ फिर नेवी के अफसरों ने, सुपीरियर्स ने डिज़ाइन बनाया, प्लान बनाया, क्योंकि तो डायग्नोसिस ये था कैजुअल बिहेवियर। तो उन्होंने सबसे पहले ये डिज़ाइन बनाया कि अभी इन लोगों को सख्त से सख्त पनिशमेंट होना चाहिए, इनके साथ हमें सख्ती का रवैया करना चाहिए, हर बार डांटना चाहिए, हर बार रूल समझाना चाहिए। तो इसी डिज़ाइन के ऊपर फिर डूइंग मतलब एक्शन हुई, बहुत सारी एक्शंस हुई। तो नतीजा लेकिन ये हुआ कि जितना लो परफॉर्मर्स को डांटा गया और पनिशमेंट उनको और सख्त से सख्त करती गई, उनका परफॉर्मेंस और गिरने लगा, वो और रूल्स को तोड़ने लगे और इररिस्पॉन्सिबली बिहेव करने लगे। तो उस शिप पे एक साइकोलॉजिस्ट था, उसने इस सारी चीज़ों को देखा, रिजल्ट्स को पड़ताला और फैक्ट्स आइडेंटिफाई किए कि जब से ये नया डिज़ाइन आया है हार्शर पनिशमेंट का, प्रॉब्लम्स और बढ़ते ही गए हैं, जो आउटपुट है और जो गोल है उसमें गैप कम होने के बजाय गैप बढ़ती जा रही है। तो उसने अभी जो डायग्नोसिस किया, उसका डायग्नोसिस था कि नाउ देर इज अ लो मॉरल इश्यू, इनका मॉरल अच्छा नहीं है, इनका सेल्फ एस्टीम अच्छा नहीं है। तो फिर नेवी के अफसर उनको पूछा कि फिर क्या अभी चेंज करना चाहिए। तो जैसे रेडालियो साहब कहते हैं, आप इस सारे प्लान को एक मशीन की डिजाइन की तरह देखिए, विच इज फ्लेक्सिबल, विच कैन बी चेंज्ड, इट इज नॉट अ डायमंड एंड समथिंग टू बी डन फॉर इटर्निटी, इट इज समथिंग विच कैन बी चेंज्ड। तो क्या किया इन्होंने, इन्होंने डिजाइन बदला इस साइकिल से। जब वो पहली बार गए तो मन मुताबिक उनको रिजल्ट नहीं मिला, इट इज अ इटरेटिव साइकिल, उत्क्रांति की तरह है। फिर इस साइकिल में गए, यहाँ पे इस वाले पोजीशन में डिजाइन बदला, उन्होंने एक नया कंसेप्ट साइकोलॉजी में इंट्रोड्यूस किया था, विच वॉज कॉल्ड एज द पिग्मैलियन इफेक्ट। पिग्मैलियन इफेक्ट में क्या करना था सुपीरियर्स को, सुपीरियर्स को लो परफॉर्मर से पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस रखने थे, उनको ऐसे ट्रीट करना था कि जैसे कि वो अचीवर्स हो, जैसे कि वो हाई परफॉर्मर्स हो, उन्हें शाबाश की देनी थी, उन्हें प्रेज देना था, उनको अप्रिसिएट करना था छोटी छोटी अचीवमेंट्स के लिए, और इन मन ही मन में अच्छी अपेक्षाएं, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस रखनी थी गुड बिहेवियर की। तो दोस्तों जब 2 महीने तक ये प्रोजेक्ट पे इस नए डिज़ाइन के साथ काम हुआ, तो बहुत सारे लो परफॉर्मर्स अभी अच्छे से ड्रेसिंग करने लग गए, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने गए, और जो सक्सेस इंडिकेटर था डूइंग का कि उनके जो जो पैरामीटर रखा गया था वो था कि कितने क्वांटिटी में पनिशमेंट्स मिलते हैं, तो पनिशमेंट्स का दर भी कम हो गया था। तो इसी तरह सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक बार एक कोई चीज़ अच्छे से साकार नहीं होती, तो उसको फिर रीडिज़ाइन करते हैं बिना हताश हुए। फाइनली आप चारों स्टेप्स कर लें, लेकिन अगर एक्शन ना करें तो भी आपको नतीजे नहीं मिलेंगे। तो आप जब भी एक्शंस करें, इसी देखिए एक बात समझिए, आपने जो भी टास्क लिए हैं अपने गोल्स के लिए, तो आपके टास्क और गोल कनेक्टेड हैं। अगर टास्क का नतीजा अगर सही नहीं आया, तो आपके गोल्स हासिल नहीं होंगे। तो जब भी आप गोल्स काम करें, तो आपने ध्यान में रखना है कि ये जो टास्क मैं कर रहा हूँ, ये मैं क्यों कर रहा हूँ। बहुत बार ऐसे होता है कि हमें बिहाइंड द सीन्स हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, ये पता नहीं होता है। तो इसी के मद्देनज़र आप ये पहली बात ये समझें कि आप जो भी एक्शन कर रहे हैं उसका सीधा कनेक्शन है गोल से। सेकंड, खुद को प्रश्न पूछिए कि मैं ये टास्क क्यों कर रहा हूँ। एंड फाइनली क्लियर पैरामीटर्स रखिए अपना प्रोग्रेस जांचने के लिए, राइट? तो दोस्तों ये थे आज के रे डालियो के 5 स्टेप प्रोसेस। आशा करता हूँ
कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा और इससे आप कुछ सीखे भी होंगे। दोस्तों आपके चारों तरफ नज़र घुमाइए, आपको हर चीज़ में उत्क्रांति दिखेगी। और जो लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, जो लोग नहीं मानते कि वो अभी परफेक्ट है और उनको इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है, वो लोग होते हैं ओपन माइंडेड। तो पूरा सिलसिला इसमें ये था कि अगर आप ओपन माइंडेड हो सकते हैं तो आप इवॉल्व हो सकते हैं और पा सकते हैं वो जिस जो आपकी ख्वाहिश हो। तो कंक्लूड करने से पहले आज का एक बार फॉर्मूला फिर से दोहराता हूँ। डेली बिजनेस कोचिंग का आज का लेसन है, वेन एवर यू वॉन्ट टू अचीव बिग गोल, जब भी आपको कोई बड़ा गोल हासिल करना है, बेस योर एक्शन प्लान ऑन रियलिटी और दृढ़ निश्चय से, डिटर्मिनेशन से, डेडिकेशन से आप आगे बढ़िए। सो आपको कामयाबी ज़रूर हाथ लगेगी। तो दोस्तों इसी के साथ आज का सेशन ख़त्म करते हैं और अगली बार एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ इस डेली बिजनेस कोचिंग को हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक अलविदा, थैंक यू।